बिहार के बक्सर में किसानों का प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत ही उग्र प्रदर्शन। पुलिस के लाठीचार्ज से नाराज किसानों ने हिंसा तक की है, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करके आग भी लगाई है। हालात इस कदर बक्सर में तनावपूर्ण हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। पुलिस पर आधी रात लाठी बरसाने का आरोप लगा है। दरअसल जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे थे किसान, और इसके बाद किसानों पर लाठीचार्ज करने का, आधी रात को लाठी बरसाने का आरोप पुलिस पर लगा। और इसके बाद अब जो इलाके के किसान हैं, बक्सर का ये पूरा मामला है, वो उग्र हो गए हैं, वो गुस्साए हुए हैं, और किसानों की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया है। पुलिस के लाठीचार्ज से नाराज किसानों ने जमकर हिंसा की है, हिंसा पर ये किसान उतारू हो गए हैं। पुलिस की गाड़ियों में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई है बल्कि आग भी लगा दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, तो आप देखिए ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है बिहार के बक्सर की, जहां पर आरोप ये लगा कि आधी रात को पुलिस की तरफ से वो किसान जो कि मुआवजे की मांग कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, और इसके बाद अब किसानों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ और आग लगा दी है। बिहार के बक्सर में किसानों का प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत ही उग्र प्रदर्शन। पुलिस के लाठीचार्ज से नाराज किसानों ने हिंसा तक की है, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करके आग भी लगाई है। हालात इस कदर बक्सर में तनावपूर्ण हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। पुलिस पर आधी रात लाठी बरसाने का आरोप लगा है। दरअसल जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे थे किसान, और इसके बाद किसानों पर लाठीचार्ज करने का, आधी रात को लाठी बरसाने का आरोप पुलिस पर लगा। और इसके बाद अब जो इलाके के किसान हैं, बक्सर का ये पूरा मामला है, वो उग्र हो गए हैं, वो गुस्साए हुए हैं, और किसानों की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया है। पुलिस के लाठीचार्ज से नाराज किसानों ने जमकर हिंसा की है, हिंसा पर ये किसान उतारू हो गए हैं। पुलिस की गाड़ियों में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई है बल्कि आग भी लगा दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, तो आप देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है बिहार के बक्सर की, जहां पर आरोप ये लगा कि आधी रात को पुलिस की तरफ से वो किसान जो कि मुआवजे की मांग कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, और इसके बाद अब किसानों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ और आग लगा दी है। We'll be right back.